क्योंकि अविश्वास योग्यता और व्यभिचार परमेश्वर की दृष्टि में लिखा इतना घृणित है कि पूरी बाइबल इसके खिलाफ है। व्यभिचार, गंदी पिक्चर्स को देखना, गंदी वीडियोस को देखना, मन में गंदे विचारों को पालना, उन्हें सोचना और उनमें आगे बढ़ना, आदमी का आदमी के साथ गलत संबंध, औरत का औरत के साथ गलत संबंध, व्यभिचार इतना गंभीर पाप है कि परमेश्वर के वचन का यह अनादर करने के बराबर है। और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक और यीशु मसीह की मती की आज्ञाओं को तोड़ने के बराबर है। बाइबल में जितने भी पाप हैं, बाइबल कहती है कि व्यभिचार एक ऐसा इकलौता पाप है जो आप अपने शरीर के खिलाफ करते हो। लिखा व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है। और बाइबल कहती है अगर आप अपने शरीर को खिलाफ पाप करेंगे जहां पर पवित्र आत्मा रहता है तो परमेश्वर इसका दंड आपको देगा। दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर लोग इस व्यभिचार के कारण मर गए। और अगर आप ध्यान लगाएं दुनिया में, वो एड्स की बीमारी हो, वो और ऐसी कितनी गंभीर बीमारियां हैं जो इस व्यभिचार के पाप की वजह से लोगों को लगती हैं, वो मानसिक, शारीरिक और पैसे की कमी की प्रॉब्लम उनकी लाइफ में सदा रहती है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, अगर ये आपकी लाइफ में रहे तो नीति वचन 5 उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों की ओर ध्यान दे, मेरी समझ की बातों की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई औरत के होठों से मधु शहद टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी हैं, लेकिन उसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु वह उसे आप नहीं जानती। परमेश्वर ने कहा कि प्राय औरत जिसके होठों से मधु टपकता है वो फुसलाने वाली, वो अट्रैक्ट करने वाली, लेकिन बाइबल कहती है ऐसे लोगों को जीवन का समथर पथ, यानी कभी भी उनका जीवन सीधा नहीं रहता। अगर आप व्यभिचारी लोगों को देखें, उनके लाइफ में हमेशा ट्रबल रहेगा, या वो बीमार रहेंगे, लोग बोलेंगे हुई अख्तर मर गया, एकदम से मर गया, लेकिन वो ये नहीं देखते वो कितने बड़े व्यभिचार में, आप जानते भी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते जो वो लोग करते हैं।